संक्रमण की तीसरी लहर में इलाज को लेकर परेशान लोगों की मदद के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने बड़ी पहल की है। लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और उन्हें जरूरी चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक दवा उपलब्ध हो, इसके लिए झालसा मॉनिटरिंग करेगा और जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की मुश्किलें आसान करेगा। इसके लिए राजधानी रांची के 40 कोर्ट्स स्थित डालसा कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम के माध्यम से कोविड मरीजों को मदद पहुंचाई जाएगी। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर झारखंड के सभी जिलों में वॉर रूम बनाया गया है, जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डॉक्टर की एक टीम, रिटेनर लॉयर, PLV, रोटरी क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को शामिल किया गया है। यह टीम जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके कोविड-19 के समय मरीजों और उनके परिवार वालों को कोरोना से संबंधित सहायता पहुंचाएगी। वॉर रूम से जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को अधिक से अधिक सहायता और सुविधा मुहैया कराया जाएगा। यहां से दवाएं और ऑक्सीमीटर भी प्राप्त की जा सकेंगी। वहीं डॉक्टर परामर्श के साथ दवाओं की सूची भी भेजेंगे। दवा खरीदने में जो लोग सक्षम नहीं होंगे उन्हें विधिक सेवा प्राधिकार जिला प्रशासन के सहयोग से मुफ्त में दवा भी उपलब्ध कराएगा। अत्यधिक संक्रमित व्यक्ति को जिला अस्पतालों में कोविड-19 सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में जहां भी आवश्यक होगा उन्हें भर्ती कराने का काम भी जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। न्यूज विंग के लिए रांची से श्रेयसी मुखर्जी की रिपोर्ट। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीडी, दोज हु आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.